ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। मुरैना जिले के कैलारस सबलगढ़ में वापमंदी जन संगठनों के देशव्यापी आह्वान पर भाषण नहीं राशन दो आर्थिक सहायता नकदी दो की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध कार्रवाई आयोजित करने का आह्वान किया गया। इसी कड़ी में मुरैना जिले में एक सैकड़ा से अधिक स्थानों पर वामपंथी जन संगठनों अखिल भारतीय किसान सभा सीटू, भारत की जनवादी नौजवान सभा SFI, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के कार्यकर्ताओं ने विरोध कार्रवाई आयोजित की। इन विरोध कार्रवाइयों में सोशल डिस्टेंस व प्रोटोकॉल का पालन किया गया। ज़्यादातर स्थानों पर घर के दरवाजों से, छतों से, बालकनी से पोस्टर लेकर भाषण नहीं राशन चाहिए, आर्थिक सहायता नकदी दो सहित तमाम सारी मांगों को लेकर नारे बुलंद किए गए। इस मौके पर किसान सभा के कार्यालय किसान भवन पर किसान नेताओं ने एकत्रित होकर नारेबाजी की। किसान नेताओं ने कहा कि लॉकडाउन के चलते खेती का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है, समय पर फसल की कटाई नहीं हो पा रही है, यहाँ तक कि सरसों व गेहूँ की फसल समर्थन मूल्य पर नहीं बिक पा रही है, जिससे किसानों को घाटा उठाना पड़ रहा है। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां बंद होने से मजदूर पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं, उनके सामने भुखमरी का संकट निर्मित हो गया है। वामपंथी जन संगठनों ने किसानों की फसल समर्थन मूल्य पर बिक्री के साथ साथ गरीब मजदूर दलित शोषितों को 35 किलो राशन, जीवन उपयोगी वस्तुएं प्रदान करने तथा गैर आयकर दाताओं को 7,500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता देने सहित अन्य कई पुनर्वास की मांगें उठाईं। इस मौके पर मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष अशोक तिवारी, किसान नेता गयाराम सिंह ठाकड़, महेश प्रजापति, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पूर्व पार्षद इब्राहिम शाह, सिंचाई अध्यक्ष रामलखन सिंह ठाकड़, युवा नेता हरिओम गोयल, छात्र नेता SFI के प्रांतीय सचिव राजवीर सिंह आदि ने कार्यवाही में भाग लिया। जनवादी महिला समिति की ओर से सुमन शर्मा सबलगढ़ के में, युवा नेता अरविंद सागर चुंडपुरा में, पूर्व पार्षद आदिराम आर्य सहित वरिष्ठ नेताओं ने अपने घरों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध कार्रवाई आयोजित की। जन संगठनों के नेताओं ने कहा कि सरकार की ओर से राहत आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, लोग भूख से तड़प रहे हैं। उन्होंने तत्काल राहत वितरण सुनिश्चित करने की मांग की है, साथ ही नगद आर्थिक देने की भी मांग की। टाइम न्यूज 24 के लिए मुरैना से जितेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट।